गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, दिल बादशाह एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज सुबह के 6:30 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए। और क्या टॉपिक है आज? टॉपिक है कि अपनी वीडियो को वायरल कैसे करते हैं। कुछ टिप्स हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तीन किस्म की टिप्स आज डिस्कस करेंगे कि वीडियो को वायरल कैसे किया जाता है और वीडियो वायरल होने के चांस कैसे होते हैं। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले वही आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू मोर वीडियोस। चलें दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर वन, उसमें यह है कि वीडियो को वायरल कैसे किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ जो मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ वीडियो में, वो होती है थंबनेल। अगर आप वीडियो का थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त बनाएंगे, उसमें कुछ ऐसी चीज़ रखेंगे जिसमें लोग क्लिक करें, उसको मजबूर हो जाए कि वो क्लिक करें उसको, तो थंबनेल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसको आप अच्छी राइटिंग लिखें, उसमें कुछ ऐसा लिखें कि बंदे को वो मजबूर कर दे कि वो उसको क्लिक करें। जिससे क्या होगा कि क्लिक इम्प्रेशन थ्रू रेट जो है यूट्यूब का, वो आपको उससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो पहली चीज़ ये थी कि थंबनेल बहुत अच्छा बनाना है आपने। थंबनेल बनाने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं जो यूज़ करता हूँ मोबाइल में, वो है पिक्सल लैब। मैं पिक्सल लैब में थंबनेल बनाता हूँ, ठीक है जी। तो पहला आइटम, पहली पॉइंट हो गया हमारा। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि वीडियो के टैग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपनी वीडियो का टाइटल लिखा है कि चलें निफ्रोटिक सिंड्रोम भी ले लेते हैं। व्हाट इज़ निफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। आपकी वीडियो का टाइटल है कि व्हाट इज़ निफ्रोटिक सिंड्रोम, ये क्या बीमारी है। तो इसके टैग्स जो हैं वो आपने वीडियो की जब अपलोड करते हैं तो आप जब डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे टैग्स का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आप टैग्स वहाँ पे डाल सकते हैं। तो टैग्स डालने के लिए आपको यूट्यूब का ही एक वेबसाइट है YTSEO Tools, उसमें जाकर आप अपना जो टाइटल है उसको जब कॉपी करेंगे, उसको कॉपी करेंगे और उस वेबसाइट में जाके YTSEO Tools में जाके उसको जो पेस्ट करेंगे तो आपके जो टैग्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। वहाँ से उनको आप कॉपी करें और जस्ट वहाँ पे डिटेल्स में आके, जहाँ पे आपने वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, वहाँ पे उसको पेस्ट कर, ठीक है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है, खुद से भी टैग्स को लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे निफ्रोटिक सिंड्रोम है तो इस बीमारी के बारे में आप टैग्स बना सकते हैं। उसमें क्या टैग्स होंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ निफ्रोटिक सिंड्रोम, आप सिंड्रोम लिख सकते हैं, डिजीज़ लिख सकते हैं, निफ्रोटिक सिंड्रोम डिजीज़ लिख सकते हैं, कॉजेज ऑफ निफ्रोटिक सिंड्रोम, सिम्टम्स ऑफ निफ्रोटिक सिंड्रोम, निफ्रोटिक सिंड्रोम इन पाकिस्तान, निफ्रोटिक सिंड्रोम इन ऑल वर्ल्ड। तो इस ये उस बीमारी से रिलेटेड जो कुछ भी आप उस बीमारी से रिलेटेड, उस टाइटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप उसमें डालेंगे ताकि उसकी SEO और रैंकिंग जो है वो हाई हो, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर टू। पहला था थंबनेल पे बहुत ज़ोर देना आपने, बड़ा अच्छा अट्रैक्टिव और ऐसा हो कि उस पर आपको इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा मिले। दूसरा था टैग्स, ये बहुत ज़रूरी होते हैं जिससे आपकी वीडियो रैंकिंग में जाती है। और थर्ड और लास्ट चीज़ है दोस्तों, वो है ड्यूरेबिलिटी।
ڈیوریشن، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ. آپ کی جو ڈیوریشن ویڈیو کی ہے وہ میں جو سمجھتا ہوں 8 سے 10 منٹ کے درمیان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، 8 سے 10 کے درمیان آپ، یا ہارڈلی 12 منٹ، اس سے اوپر مت جائیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو سنیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کے کوئی فائدے کی بات ہے دین وہ آپ کو ضرور دکھے گا اور سنے گا، ادروائز کوئی بھی آپ کو نہیں دکھے گا. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں کہ اپنی ویڈیوز کو 8 سے 10 منٹ کے اندر اندر وائنڈ اپ کیا جائے. ٹھیک ہے جی، میری ویڈیوز جو ہیں میرے چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو 25 منٹ 30 منٹ کی بھی ہیں، لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ ٹریول ویلاگ جو ہے نا وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے، 20 منٹ 18 منٹ، اس طرح وہ ایک اور چیز ہے. لیکن عام ویڈیو جو ہوتی ہے، عام جو روٹین کی ویڈیو ہے، اس کو 8 سے 10 منٹ کے اندر اندر آپ کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھے جی 3 پوائنٹ دوستو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو مجھے یہ ویڈیو، میری جو یہ جو ویڈیو ہے بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. تو دلباد شاہ کو دیں اجازت، یہ 3 پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کو امپلیمنٹ کریں اپنی ویڈیوز کے اوپر. امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دلباد شاہ کو دیں اجازت، ملیں گے نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.